Hi everyone, welcome to Knowledge of Law. In this video we talk about Bhartiya Nagrik Suraksha Saita 2023 ki hai guys. Ye hamara BNSS 2023, ye hamare CRPC ki jagah par amendment hokar new naya law aaya hai. तो गाइज जैसे कि हमारी आईपीसी थी, सीआरपीसी थी, एविडेंस लॉ था, उनके नेम से पता चल रहा था कि ये किस किस चीज़ के लिए इम्प्लीमेंट हो रहे हैं. तो गाइज ऐसे ही सेम जो हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, ये इसमें हमारा जो भी बीएनएस में हमारे गाइज लॉ बताई गई है, मान लो किसी पर्सन के साथ थेफ्ट होगी, ठीक है, उसका कोई भी सामान चोरी हो गया, जहाँ कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन के घर में जबरदस्ती घुसकर उसके साथ मारपीट कर रहा है, चोरी वगैरह कर रहा है, जैसे कि घर की जो लेडीज है उनके साथ गाइस मिसहैपनिंग कर रहा है, जहाँ मान लो किसी एक पर्सन ने किसी लेडी के साथ या औरत के साथ रेप अटैम्प्ट कर दिया, तो गाइस उसके जो भी रेमेडी है उसका क्या प्रोसीजर है वो हमारे BNSS में बताया गया है. तो अब हम बात करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा की. तो गाइज ये देखिए, इसका अगर हम नंबर देखें तो गाइज 46 नंबर पर ये वाला एक्ट बनाया गया है 2023 में. न्यू लॉ जो था गाइज अमेंडमेंट हुई थी. अगर इसकी हम बात करें कमेंसमेंट डेट की, तो ये थी गाइज 25 दिसंबर 2023, ये इसकी कमेंसमेंट डेट है. गाइज इसमें ये लिखा है कि जो हमारा एक्ट है इसे कंसोलिडेट किया गया है एंड इसे अमेंड किया गया है क्रिमिनल लॉ के की जो भी प्रोसीजर था उसके रिलेटेड में. और गाइज जो हमारा ये लॉ है ये पार्लियामेंट की तरफ से इनेक्टेड होता है 64th ईयर से पहले, तब से गाइज इसे फॉलो किया जा रहा है. तो गाइज अगर हम बात करें चैप्टर फर्स्ट की, चैप्टर फर्स्ट जो है ये बात करता है प्रिलिमरी की. गाइज चैप्टर फर्स्ट जब भी हम देखते हैं उसका, अगर सेक्शन फर्स्ट किसी भी बेयर एक्ट का उठाकर हम देखेंगे, तो गाइज वो बात करता है शॉर्ट टाइटल की, एक्सटेंड के कमेंसमेंट की. शॉर्ट टाइटल किसी भी बेयर एक्ट का देख लीजिए, वो उसका शॉर्ट नेम होता है. इसका भी अगर हम शॉर्ट टाइटल देखें तो इसका है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. अगर हम इसकी एक्सटेंड की बात करें तो ये वाला एक्ट कहाँ पर एक्सटेंड होता है, तो गाइस यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है, पूरे का पूरा जो एक्ट है इसे हम एक बार आपको रीडिंग कर देते हैं. द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर 9th, 11th, 12th देयर शैल नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड द ट्राइबल एरिया. इस बात को अभी हम आपको अपने वे से बताते हैं, इजी वे में. यहाँ पर बोला गया है कि जो हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा एक्ट है ये नागालैंड की स्टेट के ऊपर एंड इसके जो ट्राइबल एरियाज हैं उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक. अब सेकेंड बात हम आपको बताते हैं, जो हमारा ये वाला एक्ट है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो हमारी स्टेट है नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया, इसके ऊपर इस एक्ट का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का चैप्टर 9, 11 एंड 12, तीन चैप्टर ही अप्लाई होते हैं, ठीक. आई होप आपको इजिली अंडरस्टैंड हो गया हो. अब बात करते हैं कि बट द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन अप्लाई सच प्रोविजंस और एनी ऑफ देम टू द होल और पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड. यहाँ पर बताया गया है कि अगर हमारी गवर्नमेंट जो है वो बाय द नोटिफिकेशन के थ्रू इस चीज को बताती है, नोटिफाई करती है कि जो हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है ये वाला एक्ट एप्लीकेबल होना होता है, चाहे नागालैंड के ऊपर पूरी फुल स्टेट के ऊपर, चाहे होल स्टेट के ऊपर, चाहे इसके थोड़े से पार्ट के ऊपर, तो उस चीज का जो नोटिफिकेशन है वो हमें ऑफिशियल गजट के थ्रू पता चल जाएगा. अगर इस एक्ट में ड्यूरिंग दैट टाइम कोई भी मॉडिफिकेशन होती है, जहाँ फिर से स्पेसिफिक इसमें कुछ भी मेंशन किया जाता है, जहाँ इसमें कुछ भी सप्लीमेंटली कुछ भी बताया जाता है, जहाँ इंसिडेंशली जहाँ फिर कॉन्सिक्वेंशली कुछ भी इसमें मेंशन किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है कि हाँ अगर ये वाला एक्ट जो है यहाँ पर एप्लीकेबल होता है स्टेट नागालैंड के ऊपर, जहाँ फिर कहीं पर भी, वो हमें थ्रू नोटिफाइड किया जाएगा ऑफिशियल गजट के थ्रू नोटिफिकेशन आ जाती है. तो गाइज अब की बात यही है कि जो हमारा स्टेट नागालैंड है और इसके ट्राइबल एरियाज है, इसके ऊपर हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होता, सिर्फ इसके तीन चैप्टर को छोड़कर, वो है चैप्टर 9, 11 एंड 12. ओके गाइज अब हम बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की. अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसमें बताया गया है ट्राइबल एरियाज कौन से होते हैं. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है गाइज, इसका जो शेड्यूल 6th शेड्यूल है उसका पैराग्राफ 20 में बताया गया है कि ट्राइबल एरियाज कौन से होते हैं. वो ट्राइबल एरियाज जो कि हमारे 21st डे ऑफ जनवरी 1972 से पहले के टेरिटरीज एरिया थे, उन्हें बोलते थे ट्राइबल एरियाज. तो गाइज अब बात करते हैं क्लोज थर्ड की. इसमें बात की गई है इसकी
केम इनटू फोर्स, जब ये इम्प्लीमेंट होगा हमारे पूरे भारत में। तो गाइज इसकी बात हो रही थी होल ऑफ इंडिया। तो गाइज अब तक जो इसकी डेट है गाइज वो इनफोर्स वाली वो डेट इन्होंने डिक्लेयर की थी 1 जुलाई 2024। अब देखते हैं कि 1 जुलाई 2024 को ये वाले जो बेयर एक्ट है, न्यू लॉ है, इम्प्लीमेंट होते हैं या फिर अभी भी इन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो गाइज ये चीज़ हम देखेंगे, हमें इस चीज़ का पता लग जाएगा कि कब इनकी इन्हें इन्फोर्स किया जा रहा है। तो अब बात करते हैं डेफिनेशंस की। गाइज डेफिनेशंस अगर हम देखें तो डेफिनेशंस में इन्होंने बहुत सारे न्यू डेफिनेशंस हैं जिन्हें इन्होंने न्यू अमेंड किया है, इसमें एड ऑन की गई है, जो कि हमें लगता है अकॉर्डिंग टू मी बहुत ही अच्छी चीज़ है सोसाइटी के लिए। तो ये देखिए अगर हम बात करें आउट ऑफ द वे ऑफ बेयर एक्ट, तो गाइज जो हमारा आज का जो हम देखें हमारा मॉडर्न जमाना है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग अगर हम देखें डिजिटल इंडिया के थ्रू अगर हम देखें तो गाइज ये चीज़ें बहुत ही रिक्वायरमेंट थी। ऑडियो वीडियो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो वीडियो को भी इन्होंने यहाँ पर अमेंड किया है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने जिनको सेक्शन 2 में डेफिनेशंस में इंक्लूड किया गया है। गाइज ये देखिए अब बात करते हैं ऑडियो वीडियो की क्लॉज ए की। तो गाइज ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इसका क्या मीनिंग है, शैल इंक्लूड यूज ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर द पर्पस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसका मीनिंग है कि आप अगर कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हो किसी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, वो भी किस में इंक्लूड होगा, ऑडियो वीडियो में। ऑडियो भी आपका मान लो कोई पर्सन है गाइज, वो उसने सिर्फ ऑडियो ही रिकॉर्डिंग किया है, किसी का ऑडियो ही है, वो भी अभी वैलिड माना जाएगा एज एविडेंस के लिए। अगर उसका वीडियो है वो भी माना जाएगा, वीडियो है ना, ऑडियो वीडियो दोनों को यहाँ पर मेंशन किया है। गाइस यहाँ पर बात हो रही है रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन, अगर किसी चीज़ की आइडेंटिफिकेशन के लिए रिकॉर्डिंग प्रोसेस है वो भी माना जाएगा, सर्च के लिए, सीजर के लिए और एविडेंस के लिए, या फिर किसी चीज़ को ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, किसी चीज़ को ट्रांसमिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में, उस चीज़ को भी एज ए ऑडियो वीडियो में ही इंक्लूड किया जाएगा। एंड फॉर सच अदर पर्पज, गाइस यहाँ पर इसका बहुत एक वाइडर मीनिंग हो गया, किसी अदर पर्पज के लिए हो गया। एंड बाई सच अदर मीन्स स्टेट गवर्नमेंट बाय रूल्स एंड प्रोवाइड्स, जो भी इसमें गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स दिए गए हैं, जो प्रोवाइड्स किए गए हैं उनकी बात हो रही है इसमें। गाइस यहाँ पर लिखा है कि सच अदर पर्पज, इसमें बहुत वाइडर मीनिंग हो जाता है। अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है। गाइस ये देखिए ऑडियो वीडियो का मीनिंग तो यही होता है कि अगर कोई भी चीज़ ऑडियो या वीडियो कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए पर्पज के लिए कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, या फिर रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस होता है, उसका आइडेंटिफिकेशन होता है, या किसी सर्च के लिए, या फिर किसी सीजर के लिए, या फिर कोई एविडेंस हो, या फिर किसी चीज़ को इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन था उसे ट्रांसमिशन किया है, तो ये किस चीज़ में इंक्लूड होता है, ऑडियो वीडियो की डेफिनेशंस में। तो अगर हम नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें क्लॉज बी की, जो बात करता है बेल की। बेल इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिमिनल मैटर्स। गाइस बेल जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्रिमिनल मैटर्स का, अक्यूज के लिए एक फर्स्ट रेमेडी है क्रिमिनल मैटर्स की। तो अगर हम बेल की बात करें, बेल का मीनिंग होता है रिलीज ऑफ द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ और सस्पेक्टेड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफेंस फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ अपॉन सर्टन कंडीशंस इम्पोज्ड बाय एन ऑफिसर और कोर्ट ऑन एग्जीक्यूशन बाय सच पर्सन ऑफ अ बॉन्ड और अ बेल बॉन्ड। ठीक है गाइस, अब हम आपको इसका मीनिंग बताते हैं अपने वे से। ठीक है, यहाँ पे बेल का मीनिंग होता है, यहाँ पर हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। मान लो ये ए पर्सन है, ठीक गाइस, इसने एक चेक दिया था बैंक को, ठीक है, इसने गाड़ी ली, ये है उस बैंक जहाँ से इसका लोन हुआ है गाड़ी का, ठीक है। तो गाइस ये हमने कार लिख दी, ठीक है, अब ए ने इसे चेक दिया था बी बैंक को कि हाँ यहाँ पर इस बैंक से इसका जो लोन हुआ था गाड़ी का, ठीक। अब इस पर्सन ने क्या किया गाइस, इसकी मान लो इसकी कुछ इंस्टॉलमेंट हुई थी, और ड्यूरिंग दैट इंस्टॉलमेंट, उस इंस्टॉलमेंट के दौरान क्या हुआ, ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड एक दो जो इसकी इंस्टॉलमेंट थी गाइस वो बीच में टूट गई, इसने नहीं दी। तो इसके जो चेक थे गाइस बैंक के पास थे, बैंक ने क्या किया गाइस, इसके चेक जो थे वो लगा दिए बैंक है ना अपनी डिपॉजिट के लिए। तो गाइस बैंक में जब इसके चेक लगाएगी तो गाइस जो ये ए पर्सन था इसको जो चेक थे गाइस ये फेल हो जाते, चेक बाउंस हो गया। तो इस पर्सन का अभी मैटर चल जाता है कोर्ट में 138 के अंदर, सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल ऑफ इंस्ट्रूमेंट के एक्ट के अंडर। अभी इस पर्सन को मान लो गाइस ये कोर्ट में अपीयर होता है, ठीक है, जब भी ये कोर्ट में अपीयर होगा सबसे पहले इस पर्सन को करानी पड़ेगी बेल, ठीक है। कोई भी पर्सन, कौन पर्सन, अक्यूज्ड जो
जो भी अक्यूज्ड है उससे सस्पेक्टेड ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, उसे उस ऑफेंस में यहाँ पर लिखा गया है कस्टडी ऑफ लॉ। अगर कोई पर्सन पुलिस कस्टडी में है उससे रिलीज होने के लिए उसे गाइज क्या है, बेल करवानी पड़ती है। ठीक है, बेल गाइज यहाँ पर दो तरह की होती है, पर्सनल बेल बॉन्ड भी होते हैं एंड बॉन्ड बेल भी होती है, ये हम आपको आगे बता देंगे। पर्सनल बेल भी बेल बॉन्ड्स भी होते हैं एंड बेल बॉन्ड्स भी होते हैं, इसका हम डिफरेंस आपको बताते हैं। तो गाइज इसमें यही है कि इस पर्सन की जब बेल होती है, सबसे पहले मान लो ये वाला ए जो पर्सन है ये जब कोर्ट में अपीयर होता है तो ये बोलता है कि हाँ सर मैं मुझे मेरा किसी भी रीज़न ड्यू टू रीज़न मैं इनसे जो इंस्टॉलमेंट है वो नहीं पे कर पाया, ड्यू टू रीज़न मुझसे नहीं दे पाया मैं अपनी जो भी पेमेंट थी नहीं हो पाई। तो गाइज अब जो कोर्ट है उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए ये पर्सन बोलता है कि हाँ अब मैं इसका जो लॉयर है वो उसकी बेल लगा देता है। जब बेल लगाता है तो कोर्ट इस चीज़ को बेल तब देती है अक्यूज्ड के ऊपर कि हाँ वो इनोसेंट है। जब कैसा पर्सन है उसे मान लो उसे 50,000 का हो गया कि आपको 50,000 के श्योरिटी बॉन्ड देने हैं। ठीक है गाइज, तो उसमें क्या होगा गाइस, कोर्ट ने ये कंडीशन लगा दी कि आपको 50,000 के श्योरिटी बॉन्ड्स देने हैं। अभी पहले क्या होता था, प्रीवियस टाइम में आप जो श्योरिटी देते थे आप चाहे अपनी गाड़ी की, बाइक की या किसी भी चीज की दे देते थे, बट अब जो क्या है गाइस, नाउ दिस प्रेजेंट सिचुएशन जो कोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ ओनली प्रॉपर्टीज की ही श्योरिटी लेते हैं, भी कोई दूसरा पर्सन ये अक्यूज्ड या अक्यूज्ड के बिहाफ के ऊपर कोई थर्ड पर्सन आए और अपनी प्रॉपर्टी की वो श्योरिटी देकर जाए कि हाँ अगर अक्यूज्ड कहीं जाता है तो मैं 50,000 के ऑर्डर हुए हैं, बट जो प्रॉपर्टी होती है गाइस ऑब्वियसली वो 50,000 के ऊपर की ही होती है। तो गाइस ये होती है बेल। ठीक है, फिर उस हिसाब से उस पर्सन को बेल लेकर उसकी श्योरिटी लेकर मान लो सी पर्सन यहाँ पर ए की श्योरिटी दे दी तो गाइज इसकी बेल होगी 50,000 की। मान लो इसके 50,000 के ऑर्डर हुए थे तो जो सी था इसकी जो प्रॉपर्टी थी गाइज मान लो 2,00,000 की थी। ठीक है, तो अब इसने अपने कोर्ट में क्या किया, 2,00,000 की जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट थे गाइज वो रख देता है कि हाँ अगर भाई ए कहीं जाता है प्रेजेंट नहीं होता तो भाई मेरी प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास मैंने श्योरिटी एज ए रखी हुई है। ठीक है, तो ये होती है बेल, बंदे को एज ए रिलीफ मिल जाता है बेल। ठीक है, अक्यूज्ड को। अब बात करते हैं क्लोज सी की। क्लोज सी क्या बोलता है, बेलेबल ऑफेंस। गाइज आपको नेम से पता चल रहा होगा बेलेबल ऑफेंस, जिन ऑफेंस में बेल होती है इजिली, ये नहीं है कि जो नॉन अवेलेबल ऑफेंस होते हैं उनमें बेल नहीं होती, उनमें भी बेल होती है बट उनमें बेल जल्दी होने के चांसेस नहीं होते। ठीक है गाइज, अब बात करते हैं क्लोज सी की। गाइज इसमें यही है, मींस एन ऑफेंस विच इज शोन इज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बींग इन फोर्स एंड नॉन अवेलेबल ऑफेंस मीन बाय एनी अदर ऑफेंस। ठीक है भाई, अब देखो उन्होंने क्या बोला है, बेलेबल ऑफेंस वो होती हैं जिनमें गाइज जो पनिशमेंट होती है गाइज 3 years तक की हो, ठीक है, जायज से कम की हो, वो क्या होते हैं बेलेबल ऑफेंस। अगर हम बात करें इन ऑफेंस में क्या होता है गाइज, बेल मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एंड आपको बेल जल्दी मिल जाती है। ठीक, ये होते हैं, ये कहाँ पर मेंशन किए गए हैं, हमारे फर्स्ट शेड्यूल में। डोंट वरी, हम फर्स्ट शेड्यूल भी देखेंगे। फर्स्ट शेड्यूल आपको तभी अंडरस्टैंडिंग होगा जब तक आपने भारतीय न्याय संहिता रीडिंग किया होगा। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे बोला गया है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल हम आगे जाकर रीडिंग करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्लोज को। नेक्स्ट क्लोज में बात हो रही है बेल बॉन्ड की। गाइज जो हमने आपको बताया था बेल बॉन्ड क्या होते हैं एंड श्योरिटी बॉन्ड क्या होते हैं, ठीक है, पर्सनल बॉन्ड क्या होते हैं, ये देखिए बेल बॉन्ड का मीनिंग होता है मींस अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद श्योरिटी। ये चीज हमने आपको क्लियर कर दी थी कि जब देखिए ए जो अक्यूज्ड है, ठीक है, अगर आपने वीडियो पहले देखी होगी ना ये वाली, तो उसमें हमने बताया ए अक्यूज्ड है जिसका चेक बाउंस हो गया है, सी पर्सन एक श्योरिटी दे रहा है अपनी प्रॉपर्टी की, जब कोर्ट ने 50,000 के ऑर्डर किए हैं कि आपको 50,000 रुपये तक की कोई भी प्रॉपर्टी वाला पर्सन लेके आना है जो आपके बिहाफ के ऊपर कोर्ट में श्योरिटी दे, अपने जो डॉक्यूमेंट है वो कोर्ट में लगा देता है कि हाँ भाई मैं अपनी श्योरिटी देता हूँ उस पर्सन की एज इट इज, उसके सिग्नेचर होते हैं, उसके फोटोग्राफ्स लगती है जब बेल होती है, जब श्योरिटी वो पर्सन देता है तो उसकी गाइस एज ए फोटो भी होती है कोर्ट में। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भी साथ में लगते हैं, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट,
एज ए तहसीलदार से, तो वो होती है एक श्योरिटी जो अंडरटेकिंग के लिए वो देता है कि हाँ भाई आप एक और रिलीज कर दो एज ए बेल के ऊपर, तो इसकी मैं अपनी गारंटी देता हूँ, श्योरिटी देता हूँ। ठीक है गाइज, अब देखते हैं बॉन्ड्स क्या होता है। क्लॉज ई मीन्स अ पर्सनल बॉन्ड और एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी। गाइज ये देखिए, ये ही एग्जाम्पल हम लेंगे अभी। ए जो पर्सन है, मान लो कोर्ट में गया, कोर्ट ने इसे सबसे पहले रिलीज करना था, तो गाइस कोर्ट ने बोला कि आप अपने पर्सनल बॉन्ड, आप अपनी कुछ पर्सनल चीज़ों की, उन्होंने बोला कि उन्होंने पर्सनल बॉन्ड उनके 50,000 के किए, ठीक है। बाद में उन्होंने श्योरिटी बॉन्ड मांगा, पर्सनल होता है कि उस पर्सन की खुद की श्योरिटी के ऊपर ही उसे कुछ उसे 50,000 का फाइन लगा दिया जाता है कि 50,000 या 60,000 जितना भी कोर्ट को लगता है पर्सनल बॉन्ड के लिए, कि ये इसके 50,000 के पर्सनल बॉन्ड्स हो गए, उसके ऊपर उस पर्सन को विदाउट श्योरिटी। यहाँ पर क्या है, सी थर्ड पर्सन को अपॉइंट नहीं किया गया, उस थर्ड पर्सन की अंडरटेकिंग नहीं ली गई, विदाउट श्योरिटी ही उसे छोड़ा जाता है। किस पे, आपके ऊपर, अक्यूज के पर्सनल बॉन्ड के ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं चार्ज। चार्ज क्या होते हैं, चार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी क्रिमिनल ट्रायल का, ठीक है। चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन मोर हेड देन वन चार्ज। अब अगर हम आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाएं, ये देखिए, ठीक है गाइज, मान लो किसी पर्सन ने किसी का मर्डर किया, ठीक है। मर्डर करने के बाद क्या हुआ, मर्डर किया, मान लो किसी पर्सन ने किसी का, हम नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ए ये पर्सन है, इसका इस लड़की के साथ अफेयर चल रहा था, मान लो ये वाला अफेयर इसका बहुत कंटिन्यू लॉन्ग टाइम पे चला, 10 साल, ठीक है। आफ्टर देन दोनों में कोई ना कोई ऐसी बात होती है, ऐसा डिस्प्यूट होता है, दोनों में ऐसी अनबन हो जाती है, और ये लेडी क्या थी, शी इज अ मैरिड ऑलरेडी, एंड देन ये इसका सेकंड पर्सन के साथ इसका अफेयर था। तो गाइस जब इसके घर वालों को पता चलता है, उस टाइम ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं, ये वाली लेडी क्या करती है, इस पर्सन के ऊपर रेप के केस लगा देती है, रेप की एफआईआर करवा देती है, सबसे पहले रेप की एफआईआर करवाती है, ठीक है, पुलिस में जाकर। एफआईआर लॉन्च होने के बाद इस पर्सन को अरेस्ट पड़ जाती है, अक्यूज्ड को, एक है यहाँ पर अक्यूज्ड। तो गाइस इस पे क्या होता है, जब इसके इसे अरेस्ट पड़ जाती है, अब ये अपना क्या करता है, लॉयर हायर करता है, इसकी गाइस जो होती है बेल हो जाती है। बेल अभी हमने आपको अंडरस्टैंड करवाया बेल क्या होता है, इसकी मान लो बेल होगी, ठीक है। बेल होने के बाद, ठीक है, इसकी बेल भी होगी, बेल होने के बाद देखा जाता है कि जो हमारा ऑफेंस है ये कितने टाइम पीरियड का है। अगर तो गाइस 10 ईयर तक का होता है, तो फिर तो अगर पनिशमेंट 10 ईयर तक होती है गाइस, फिर तो मान लो क्या होता है कि उसका टाइम पीरियड होता है चलान का। बेल होने के बाद पर्सन का जो होता है गाइस, इसका इस केस का चलान पेश होना होता है कोर्ट में, चाहे वो उसका टाइम पीरियड होता है 16 डेज या फिर 90 डेज के अंदर चलान पेश होता है कोर्ट में। कोर्ट में जो गाइस हम प्रैक्टिकल देखेंगे, इसका टाइम भी एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। तो गाइस एक्सटेंड होने के बाद क्या होता है कि जब इसका गाइस जब इन दोनों टाइम पीरियड आउट हो जाते हैं, और वेटिंग चलान भी लगता है कि चलान को आने को टाइम लगता है, तो गाइस उसके बाद क्या होता है, चलान भी आ जाता है। उसके बाद क्या होता है गाइस, इस पर्सन के ऊपर चलान आ जाने के बाद, चलान पेश हो गया, उसके बाद इस पर्सन के ऊपर गाइस चार्ज फ्रेम होते हैं, जो जो ये सेक्शन बोले होंगे लेडी ने कि हाँ मेरे साथ रेप हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ, इसने मुझे यहाँ पे बुलाया, ये हुआ, ये हुआ, उसने जो भी स्टोरी बनाई होगी, उसमें जो भी सेक्शन इंप्लीमेंट होंगे, वो कोर्ट देखती है कि कौन से सेक्शन नॉर्मल उन्हें लगते हैं और कौन से नहीं लगते, वो उन सेक्शन के अंडर इस पर्सन के ऊपर चार्ज फ्रेम करते हैं कि हाँ भाई ये वाले पर्सन के ने के ऊपर चार्ज फ्रेम हो गए, और फिर ट्रायल चलता है, ठीक है। मान लो इस लेडी ने बोला 375 लग गया, सॉरी 376 की जो पनिशमेंट है, इसने बोला था कि मुझे इसने छेड़छाड़ भी की है, इसने मुझे घर पर बुलाया, जो इसने मुझे ऐसा किया वैसा किया, मान लो कोई एक सेक्शन जो है वो इसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता, ठीक है, उसमें क्या होगा, उस सेक्शन के जो चार्ज हैं इसके ऊपर नहीं लगेंगे। उस मान लो 5 सेक्शंस हैं, ठीक है, यहाँ पर गाइस 5 सेक्शंस हैं, 5 सेक्शन में से 1, 2, 3, 4, 5 जो लेडी ने बोला था वो थे 5 सेक्शंस। अभी कोर्ट को क्या लग रहा है कि ये वाले जो 3 सेक्शन हैं ये ही इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, मान लो तो 3 और 5, ये 4 वाला जो है ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो जो कोर्ट है गाइस इन चारों के ऊपर ही चार्ज फ्रेम करेगी, इस सेक्शन के अंडर वो चार्ज फ्रेम नहीं करेगी, उस पर्सन के
फिर क्या होगा, इन्हीं सेक्शन के ऊपर उस पर्सन का ट्रायल चलेगा चलेगा ठीक है। आई होप आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, इसलिए हम थोड़ी थोड़ी आपके साथ एफर्ट्स लगा रहे हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लोज की, कॉग्निजेबल ऑफेंस। गाइस कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है ये होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल वे में कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं सीरियस नेचर के ऑफेंस जो होते हैं। मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर मे इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किया है और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग फर्स्ट शेड्यूल में है या फिर कोई भी टाइम बीइंग उस टाइम लॉ फोर्स होगा उसमें अरेस्ट विदाउट वारंट। गाइज ये एक सीरियस ऑफेंस होता है जिसमें पुलिस ऑफिसर आपको विदाउट अरेस्ट वारंट भी आपको अरेस्ट कर सकती है। मोस्टली क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पर था कॉग्निजेबल, पीछे हमने कौन से किए नॉन कॉग्निजेबल, उसमें क्या होता है पुलिस वालों के पास अरेस्ट वारंट होता है कि आपको अरेस्ट करने का वो वारंट लेकर आए। यहाँ पर क्या है कि पुलिस आपको विदाउट अरेस्ट वारंट भी अरेस्ट कर सकती है। दिस इज अ सीरियस नेचर ऑफ ऑफेंस। आई होप आपको इजिली अंडरस्टैंड हो जाए। तो गाइज यहाँ पर हम बात करते हैं कंप्लेंट की, क्लॉज एच में। मीन्स एनी एलिगेशन मेड ऑरली और इन राइटिंग टू अ मैजिस्ट्रेट, कोई भी एलिगेशन होगा जो ऑरली या फिर रिटर्न में मैजिस्ट्रेट के सामने रखा जाएगा विद द व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस संहिता, जिसका जो एक्शन है वो इस संहिता के अंडर लिया जाएगा। दैट सम पर्सन उस पर्सन के द्वारा वेदर नॉन और अननोन, जहाँ तक वो जानते हैं या नहीं जानते, हिज कमिटेड एन ऑफेंस, उन्होंने जो ऑफेंस उसे कमिट किया, बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। बट क्या है गाइज, ये पुलिस रिपोर्ट नहीं है, ये कंप्लेंट है जो कि हम चाहे तो मैजिस्ट्रेट के सामने ऑरल में देते हैं या राइटिंग में देते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ए रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर इन अ केस विच डिस्क्लोज आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमिश्नर कमीशन ऑफ एन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू बी अ कंप्लेंट। तो गाइज जो ये वाला जो मैं यहाँ पर छोड़ रही हूँ, तो ये हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हमने क्लॉज जी तक किया है, क्लॉज जी तक हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।